बहुत सारे लोग हैं अंबेडकर से नफरत करते हैं, खासकर आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो ब्राह्मण जाति है, ठीक है, सही है, और उसको मानववादी लोग कहते हैं, और मानववादी लोग जो है जनरली बाबा साहब को फॉलो नहीं करते, आखिर क्यों? आजकल के जो सूक्ष्म लोग हैं ब्राह्मण ऐसे हैं वो नीच जात के छुआछूत के चलते जो है जलन और बाधा पैदा करते हैं, राजनीति में भड़काते हैं। बाबा साहब जो है 12 नंबर का विरोध किए थे, आप लाट पर तिलक वगैरह सब लगाए हुए हैं, मानते हैं कि हिंदू धर्म है अंधविश्वास? हिंदू धर्म में 8 नंबर जरूर है, जितनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बदनाम हो गया है। बोलना कि नहीं इतना दे दो तो हम करेंगे, नहीं तो तुम्हारा पूजा पाठ हम नहीं करेंगे, यही बात, इसी बाउंडर को जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जो है विरोध, उनके साथ हम खाना खाते थे तो हमारे जो भाई जो थे वो हमको डांटते थे, हमारी मम्मी डांटती थी, मम्मी हमको मारती भी थी कि क्यों चमार को खाना, क्यों उसके खाना खाते हो। अगर आपको अगर कोई कह दे कि कोई मतलब डोम जाति के लोग अगर मूसा जाति अगर तो खाना खा लीजिएगा, देखिए हम जब भी रिपोर्टिंग करते हैं और जब कभी किसी बहुजन महापुरुष की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो सीधे कहा जाता है कि मानववादी तोड़े हैं, जब किसी बहुजन या दलित पर अत्याचार हो जाता है तो कहते हैं कि मानववादी किए हैं यानी ब्राह्मण किए हैं। आज हमारे साथ वही ब्राह्मण है, लेकिन ये ब्राह्मण जो है अन्य ब्राह्मण से थोड़ा अलग हट कर हैं, ये जो है विचारधारा को बाबा साहब का जो विचारधारा था उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं और उन्हें उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जो कंट्रोवर्सी या जो ट्रेडर्स फैलाया गया कि नहीं ब्राह्मण ऐसे है वैसे है, ठीक है, ये कुछ उनसे अलग है, डिफरेंट है, नाम जानना चाहेंगे आपका? बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या है? रंगनाथ पाठक नाम है, बक्सर के रहने वाला है, डुमराव थाना है, नेनुआ गांव के जी। अच्छा, अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा बहुत कठिनाई से जो है जीवन बीता है उनका, पढ़ाई का जीवन जो है बहुत कठिनाई से उनका मतलब गुजरा हुआ है। एक तो जैसे छात्रावास में रहते थे वहाँ भी छुआछूत का भाव लोग रखते थे, समझे ना, नीच दृष्टि से लोग देखते थे इनको, घृणा की तरह स्तर पर, लेकिन बाबा ने अपनी समी से ज्ञान से अपनी ऐसी योग्यता प्राप्त की, सबको सहन करते हुए विदेश में गए। विदेश में जाने के लिए उनके पास जैकेट का पैसा नहीं था, तो कोई ऐसी साथी ने उनको कोई जैसे कोई महाराज घराने का हेल्प किया, तो इसके उसकी मदद से वो अपना अफ्रीका में गया, वहाँ से बैरिस्ट्री का डिग्री हासिल हुआ उनको। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं अंबेडकर से नफरत करते हैं, खासकर आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो ब्राह्मण जाति है, ठीक है, सही है, और उसको मानववादी लोग कहते हैं, और मानववादी लोग जो है जनरली बाबा साहब को फॉलो नहीं करते, आखिर क्यों? ये अपनी मानसिक समझिए कि इसमें यह है, सबकी सोचावट अलग होती है, समझे ना, कोई ब्राह्मण है नीच जात को देख मतलब प्रमोशन नहीं देख आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता है, चाहते कि हम ही जो है अपने अथी करें। और एक रह गई धार्मिक विचार से, जैसे कि लोग अछूत छूत के भावना से नीच दृष्टि से लोग अथी समझते हैं, तो ये अज्ञानता है समझिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मानववादी, बहुत ऐसे संत हैं जैसे रविदास जी है, वो भी तो एक ये थे, लेकिन उनकी पहुंच कितनी थी, उनके ज्ञान कितना था। बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कि छुआछूत को मानते हैं, हाँ, और दलितों घर भोजन नहीं करते हैं, यही तो मतलब यह समझिए कि जातीय एक अहंकार है समझिए ब्राह्मणों में, ऐसे नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल। जात में नहीं लिखा है, कर्म और अपने योग्यता के चाहे त्याग के ऊपर जो है, कोई भी डिग्री प्राप्त करता है तो अपने उसमें परिश्रम करके ही करता है। आप ज़्यादा किस व्यक्ति को मानते हैं अपने जीवन में आदर्श के रूप में? आदर्श जिसका चरित्र आदर्श हो, जो जात भेदभाव नर छुआछूत का मतलब लेकर नहीं चलता हो। छुआछूत के बारे में गांधी जी भी जितने बड़े लोग हुए सब लोगों ने मतलब विरोध किया, यही आजकल के जो सूक्ष्म लोग हैं ब्राह्मण ऐसे हैं वो नीच जात के छुआछूत के चलते जो है जलन और बाधा पैदा करते हैं, राजनीति में भड़काते हैं। अच्छा, आप कहते हैं बाबा साहब के विचारधारा पर चलते हैं, लेकिन बाबा साहब जो है 12 नंबर का विरोध किए थे, आप लाट पर तिलक वगैरह सब लगाए हुए हैं, मतलब ये जो आप लाइन पा रहे हैं ना अपने, उसको लाट पर क्या उसको कहते हैं,
वैष्णव धर्म के वैष्णव ये जो पा रहे हैं आप तो इसका विरोध किए थे अंबेडकर साहब की ये बाह्य आडंबर है नहीं होना चाहिए और आप लगाए हैं क्यों? ये भी एक कमी है किसी धर्म की शिकायत करना जो है ये चाहे विद्वान हो चाहे कोई भी हो क्योंकि ये हमारा जो धर्म है तो हमारा सनातन का अर्थ होता है कि जिसका कोई अंत हो न आदि हो न मध्य हो। लेकिन अंबेडकर साहब जब मरे थे तो मरने से पहले जो है बौद्ध धर्म अपनाए थे क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे बाह्य आडंबर पखंडवाद और अंधविश्वास है। आप मानते हैं कि हिंदू धर्म में है अंधविश्वास? हिंदू धर्म में आडंबर जरूर है जितनी नहीं होनी चाहिए इसलिए बदनाम हो गया है। हिंदू का जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मत्व का मतलब अहंकार है जैसे कि यजमान से मन मुताबिक नाराज करके दक्षिणा दबाव डाल के लेना दक्षिणा का मतलब है शास्त्र में लेकिन ये नहीं कि जो इतना दे दो तो हम कराएंगे नहीं वगैरह नहीं कराएंगे ये गलत धारा है। जो जन्माज अपनी स्वेच्छा से अपने समर्थ के अनुसार देता है वही उचित है बाकी जो दबाव डालना कि नहीं इतना दे दो तो हम करेंगे नहीं तो तुम्हारा पूजा पाठ हम नहीं करेंगे यही बात इसी बाउंडर को जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर जो है विरोध किए थे यही पिसी पखंड को। तो देखिए कि ये बाबा जो है चाचा जो है बिल्कुल ये ब्राह्मणवाद समाज से बिलोंग करते हैं और यूं कहें तो ये पंडित हैं आप सही बात है। हाँ हम ब्राह्मण। और देखिए किस तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को लेकर ये चलते हैं हालांकि ये कह रहा है कि बाबा साहब ये अलग बात है कि बौद्ध धर्म अपनाए थे अलग अलग धर्म अपना सकते कोई बात नहीं लेकिन जिस तरीके से ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि दलितों से नफरत करते हैं उनके घर पर खाना नहीं खाते हैं ये उनमें से ब्राह्मण नहीं है और शायद जो है इनके जैसे सारे अगर ब्राह्मण लोगों की सोच हो जाए तो शायद इस देश में जो नफरत होती है जाति के आधार पर शायद वो ना। क्या चाचा जी? एक बचपन की बात है एक हरिजन हमारे खेत में पहले मजदूरी करते थे हल जोतवाने के लिए हम जाते थे तो घर से हम लोग कितना भी खाए रहेंगे ना तो दोपहर में जब उनका लंच लेकर जाते थे खाना के लिए आदमी जाता है ना तो घर से जो भी खाना ले जाते थे तो बेचारे खाना खाने बैठे रहते थे और उनको हमारा ऐसा था बचपन की बात कि हमारा मन जो है कर जाता था तो हमको साथ खाना खाएं और खा लेते थे। अपने गांव की बात है अपने गांव की हम कहानी बता रहे हैं उस बेचारे का नाम भी था राम बच्चन। अच्छा अब आप कोई कहा जात सुनिए हम बता रहे हैं जात में तो वो हरजन थे चमार हाँ लेकिन लहसुन प्याज समझे ना नहाना धोना मतलब नाम के मतलब था कि मतलब हरजन है समझे ना लेकिन कर्म उनका जो है बिल्कुल सही था जो कि ब्राह्मण ना करे। उनके साथ हम खाना खाते थे तो हमारे जो भाई जो थे वो हमको डांटते थे हमारी मम्मी डांटती थी मम्मी हमको मारती भी थी कि क्यों चमार को खाना क्यों उसके खाना खाते हो लेकिन हम कहे कि भाई देखो खाना तो हम खाते हैं क्योंकि हमारा दिल भर रहा है नाम के हरजन है कर्म जो है पंडित का हाँ तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। अब कोई आपको खाने का ऑफर संसार में कोई ब्राह्मण सब इंसाने बन के आता है जन्म लेता है कर्म के अनुसार जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चाहे शूद्र जो भी है उनको मतलब स्थान दिया हुआ है जाति की वजह से नहीं जाति वजह नहीं कर्म के आधार पर जैसे किसी बाप का मतलब चार भाई हुए चार भाई में मतलब एक हो गया पहलवान टाइप का शरीर से हिस्पुष्ट उसको राजवंशी घराने में क्षत्रिय का दर्जा मिल गया दूसरा भाई जो है दिमाग का तेज तरार निकला पूजा पाठ में वेद शास्त्र की मतलब ज्ञान उसके पास था उसकी ब्राह्मण में संख्या हो गई। एक था कि पढ़ा लिखा भी था बुद्धि भी था लेकिन वो जो है एक के चार बनाने की कीमत थी एक रुपये का चार रुपये बनाने की उसमें बुद्धि था वो जो है वो बनिया की उसकी श्रेणी मिल गई बनिया श्रेणी में कायस्थ में आ गया। चौथा था लड़का वो शरीर से हिस्फुट था लेकिन स्वस्थ नहीं था गंदा मैला कुचैला रहता था पढ़ा लिखा भी नहीं था तो उसको जो है कर्म के आधार पर उसको जो है शूद्र की श्रेणी में उसको बांटा गया
समझे ना कि समाज की सेवा करने लायक है। बताइए बाबा, अगर आपको अगर कोई कह दे कि कोई मतलब डोम जाति के लोग के घर मूसा जाति के घर तो खाना खा लीजिएगा। देखिए यदि कोई भी है कर्म हम देखते हैं, कर्म अच्छा हो तो खा, शुद्धता हाँ नीच होकर भी राजा युधिष्ठिर जग किए थे, हम पूरी बता रहे हैं। उतना मत सुनाइए ज्यादा वीडियो, वो भी इसी पर है। राजा युधिष्ठिर जो है यज्ञ किए थे, यज्ञ में देश विदेश के सारे निमंत्रण राजाओं को आया था, सब लोग जुटे हुए थे, सब लोग बहुत खर्च किए, और उसमें शर्त यह था भगवान श्री कृष्ण जो है कहे थे कि यज्ञ की पुनराहुति तभी मानी जाएगी जबकि घंटा जो है एक यज्ञ मंडप में एक घंटा लगा दिया गया था, घंटा जब आपसे बजना शुरू हो जाएगा तो जो है यज्ञ की पुनराहुति समझी जाएगी। तो बहुत परिश्रम करके बहुत लोग खाए पिए, बहुत मतलब धन खर्च हुआ, लेकिन घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो पांचों पांडव जो है गए श्री कृष्ण भगवान के पास, बोले कि भाई महाराज हम लोग ने तो बहुत प्रयत्न और लगन से मन को शुद्ध करके जो है यज्ञ विधिवत कराया, घंटा क्यों नहीं बजा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो अभी कमी है, जब तक ये कमी को पूरा नहीं करोगे तब तक ये घंटा नहीं बजेगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण भगवान से क्या कमी रह गई है, तो वही भगवान ने कहा कि जितने आदमी तुम खिलाए हो, जितना लोग को निमंत्रण दिए हो, लेकिन वैष्णव समाज कोई नहीं आया इसमें, समझे ना, वैष्णव समाज कोई नहीं आया इसलिए घंटा नहीं बज रहा है। तो भगवान ने कहा कि भाई कौन ऐसा वैष्णव है, आप ही तो बताएंगे, आप अंतर्जामी हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम तो संत महात्मा ऋषि राजा महाराज को निमंत्रण दिया अपने ख्याल के अनुसार, लेकिन अब आप ही बता सके कौन ऐसा सच्चा वैष्णव है जो कि अभी नहीं आया, हम लोग इच्छुक हुई है उसे बुलाया जाए, क्योंकि यज्ञ की पुनराहुति होना भी बहुत जरूरी है। फिर भगवान ने कहा कि देखो फलना गांव में एक सुपर डोम है, डोम सुपर डोम, उनको आप लोग ने नहीं बुलाया और वही सबसे शुद्ध है। हाँ, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये घंटा यज्ञ पूरा नहीं होगा और जो है घंटा बजेगा भी नहीं, उसके बाद वो आए तब जाकर पूरा, वीडियो ज्यादा हो जाएगा लंबा। हाँ, वो आए उसके बाद पूरा हो गया। हाँ, जब उनको बुलाया गया और भी पांचों पांडव पालकी पर बैठा कर यहाँ लाया गया, और द्रौपदी अपने बहुत परिश्रम करके खाना उनका भोजन तैयार की, और जब खाए तब घंटा बजा, घंटा बजा, यज्ञ की पुनराहुति हुई। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पंडित लोग जो अन्य बाबा साहेब से नफरत करते हैं, उनके विचारधारा को नहीं अपनाते हैं और आए दिन बाबा साहेब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं, कभी उनके हाथों को तोड़ दिया जाता है, कभी नाकों को, कभी पैरों के तले उनको तोड़कर जो है उनके प्रतिमाओं को, और उनसे अपने दुश्मनी का बदला निकाला जाता है। शायद इस प्रकार के ब्राह्मण से वो सीख ले तो शायद देश कब का बदल चुका हो।